तो फिर शुरू करें कि आज अपने क्या करेंगे, सीईटी ओरिएंटेड के क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सब कि मनुष्य का तापक्रम होता है, मनुष्य का तापक्रम होता है, यहां पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं 3 10 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फारेनहाइट। ये ऑप्शन दे रखे हुए हैं ऑल ऑफ दी अबव। तो जो मनुष्य का ताप होता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, पहले से ही आपको पता है। इसके बाद अगर हम केल्विन में इसको कन्वर्ट करें तो केल्विन में कन्वर्ट करते तो हम डिग्री सेल्सियस में किसको जोड़ देते हैं, 273 को जोड़ देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में। तो कितना हो गया, 310। यानी कि 310 भी क्या है, मनुष्य का ही तापक्रम है। अगर दूसरा आप क्या करें कि इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 9/5 × °C + 32। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह 37 लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 98.6 फारेनहाइट। तो 98.6 फारेनहाइट भी क्या है, इसका मनुष्य का। तो ये तीनों तापक्रम किसके दे रखे हुए हैं, मनुष्य के ही दे रखे हुए हैं, इसलिए मैंने क्या कहा, ऑल ऑफ दी अबव। आ गया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, रक्त का पीएच होता है, जो मनुष्य का रक्त होता है, रक्त जानते हो ना, रक्त का पीएच होता है, तो मनुष्य का रक्त के पीएच की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हुए हैं 6.8, 7.4, 7.2 या 3.0, बताओ। 7.4 हल्का क्षारीय होता है, कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। और आपको पता है पीएच स्केल, तो आपको क्या कि जब हम पीएच स्केल पर देखते हैं 7, 0 और 14 इस तरह की वैल्यू होती है। अगर 8 से 0 की तरफ जाते हैं तो क्या बढ़ता है, एसिडिक, एसिडिक नेचर होता है। इधर जाते हैं तो बेसिक नेचर होता है, और 7 पर होते हैं तो न्यूट्रल उदासीन होता है। क्लियर है, तो आपको पता है 7.4 हो गया तो ये कैसा हो गया, हल्का क्षारीय हो गया। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, अधिक क्षारीय हो जाए, लेकिन इधर नंबर कम हो रहा है तो ज्यादा अम्लीयता बढ़ती है। और आपको दोनों ही चीज पता है, अम्लीयता का मतलब क्या होता है, खट्टापन, अम्लीयता एसिडिसिटी का मतलब क्या होता है, खट्टापन। तो ये नंबर इधर आने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये चीजें मैंने आपको बता के रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, पेट्रोल की आग बुझाने का सबसे उत्तम साधन है, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो, मिट्टी या बालू, मिट्टी या बालू। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ऐसा ही फोटो सिलिका, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिका। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस पाई जाती है, अभी बताए आर्गन, क्या है, आर्गन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस। और आपको यह भी पता है अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, और अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, HE, NE और हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। ये सभी गैसें कौन सी है, अक्रिय गैसें। और अक्रिय हम क्यों क्या कहते हैं, कहते हैं इनको अक्रिय गैसें क्यों कहा जाता है, महत्व कम कैसे हो गया, नहीं। इनके के जो ऑक्टेट होता है बाह्यतम कोश में वो क्या होता है, पूर्ण होता है,
अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। तो ये बाकी किसी भी के साथ क्या नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। इस वजह से हमने क्या कहा, अक्रिय गैस है। और तो सभी जो बाकी पीरियोडिक टेबल है, क्या पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, तो वो सारे जो तत्व होंगे वो किसकी तरह विन्यास प्राप्त करना चाहेंगे, इनकी तरफ, इसकी तरह अक्रिय गैसों की तरफ। वो अपने आपको स्थायी करना चाह रहे हैं ना, क्या करना चाह रहे, स्थायी। तो स्थायी करने के लिए उनको किसी कोई तो रोल मॉडल देखना पड़ेगा। अब आप किसको रोल मॉडल देखते हो, हम किसके जैसा बन जाए, आप किसी को तो देखते हो ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हो, तो किसको देखते हो, अपने से बेटर। तो वो भी आपके प्रोफेशन में देख रहे होंगे कि आपको जिस प्रोफेशन में जाना है। तो वैसे ही इन सारे जो तत्व है, 118 जो तत्व है आवर्त सारणी में, वो सब क्या चाह रहे हैं, हम किसकी तरह विन्यास प्राप्त कर ले, अक्रिय गैसों की तरह। तो स्टेबिलिटी का सिंपल सा एक तरीका होता है कि अपनी एनर्जी को क्या कर दे, कम कर दे। एनर्जी स्थायित्व के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली, मतलब जितना ज्यादा स्थायी उतनी एनर्जी कम, जितना कम स्थायी उतनी एनर्जी ज्यादा। जैसे कि आपके किसी भी टीनेजर को देख लेना, इसको टीनेजर, टीनेजर का मतलब क्या होता है, किशोर, किशोर मतलब आप जैसे बच्चे, वो तूफानी अवस्था में होते हैं। इसमें होते हैं तो तूफानी अवस्था में ऊर्जा बहुत हाई होती है, तो ऊर्जा हाई है लेकिन स्थाई क्या है, कम है। वो कभी भी भटक सकते हैं, कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, आया समझ। तो ये सब किसके जैसा बनना चाह रहे हैं, इनके जैसा। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए, आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को बढ़ाकर क्या कर रहे हो, दुगुना कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो ध्वनि की चाल होगी, बताओ ध्वनि की चाल होगी। यहां पे ऑप्शन दे रखा हुआ है 664 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 166 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न प्रेशर लगेगा, देखो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, आपने क्या किया, उसमें प्रेशर लगाया और उसका दुगुना कर दिया। यदि दाब बढ़ाकर क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, प्रेशर लगाया और दुगुना कर दिया, तो अब ध्वनि की चाल हो जानी चाहिए। मतलब क्या हो जानी चाहिए इनमें से, आपको डबल हो जानी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्वनि पर के प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या रहेगी, 332 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में, फिर प्रकाश के चिकने पृष्ठ में टकराकर वापस लौटने की क्रिया कहलाती है। क्या क्वेश्चन है, प्रकाश के, प्रकाश तो जानते हो ना, प्रकाश के चिकने पृष्ठ, चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया, वापस लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हुए हैं, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन, बताओ। परावर्तन, उसी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये कोई प्रश्न है, यहां से कोई किरण आ रही है, वो उसी माध्यम में क्या कर रही है, लौट जा रही है, तो उसको हमने क्या कहा, परावर्तन।
और सेकंड क्या है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या हो रहा था, किरणें बिखर नहीं रही थी, क्या हो रही थी, विचलित हो रही थी। मन विचलित होता है ना, वैसे किरणें विचलित हो जाती है जिस रास्ते पे जैसे आप चल रहे हो, और उस रास्ते में कोई मिल जाए तो आप क्या हो जाओगे, भटक जाओगे। तो हमें क्या नहीं करना है, विचलित नहीं होना है। तो ये जैसे किरण आई यहां पर क्या है, थोड़ा सा गगन माध्यम है, पहले आप वायु से आए, कहां से आए, वाव से आए थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह सा सिटी का माहौल है, तो अब यहाँ पे वो भटकाव ज्यादा हो सकते हैं। तो अब जैसे ही इस सघन माध्यम में आते हो, कहाँ पर, पानी वाले में, तो यहाँ पर जैसे ही आओगे तो ये हल्का सा ऐसे जाना चाहिए था, पर ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ चले गया, तो अब आप रास्ता भटक गए, तो वो सिक्का थोड़ा सा इधर दिखाई दे रहा है, आपको गोल इधर नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा, अपवर्तन। क्या कहा, ठीक है। इसके बाद प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन भी अभी बताया मैंने, आसमान का रंग नीला क्यों है, धूल के कण वगैरह होते हैं, प्रकाश की किरणें आ रही है, तो वहां पर धूल के कणों से ये किरणें क्या करती है, टकराती है, तो फिर क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आसमान का रंग नीला हो गया। आ गया समझ में, यहां तक चीजें समझ में आ गई, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, और प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, हाँ तो आंसर बताओ, पढ़ाया है मैंने, दे रखा हुआ है फैदम, और डेसिबल, सभी डेसिबल, डेसिबल बता के रखा हुआ है, कितने डेसिबल तक हम ध्वनि सुन सकते हैं, 90 डेसिबल तक, जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, कितने तक अच्छी लगती है, 60 डेसिबल तक, बाकी तो इसे तो हम 120 नहीं सुन ले, कान फट जाए वो अलग बात है, ठीक है। तो मतलब शोर नहीं होना चाहिए, ये 90 तक जाते जाते शोर होने लगता है, हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, जैसे आपने डीजे वगैरह देखा होगा, वो जैसे ही साउंड फुल कर देता आपको कानों को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या शोर है, नॉइस जिसको आप बोलते हैं, नॉइस कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसमें मापते हैं डेसिबल में। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाँ बताओ किस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, विखंडन पर, रेडियोएक्टिव विघटन पर, सभी पर। ऑप्शन देखो, संलयन, विखंडन और रेडियोएक्टिव विघटन, सभी। नाभिकीय संलयन पर, किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन, याद रखना, ठीक है। फिर लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। दूध से दही बनना, कागज का गीला होना, कागज का जलना, कागज का सड़ना, वापस बताओ, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, दूध से दही बनना, कागज का गीला होना, कागज का जलना, कागज का गीला होना और कागज का जलना और सड़ना और दूध का दही बनना, कागज का गीला होना, जलना और सड़ना में क्यों, जलना और सड़ना में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई किसी रिएक्शन से रिलेट करता हूं, राख बन रही, देखो सीधी सी बात है, जलना मतलब ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया कर रहा है,
और वहां से गैस को रिलीज करेगा, CO2 plus H2O की तरह रिलीज करेगा, सीधी सी बात है, जल रहा है। और सड़ना, सड़ने को हमने पहले से बता के रखा हुआ, ये क्या फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन किण्वन, किण्वन जैसे कोई भी चीजें होती है ना, आजकल एक कल्चर आ गया है फास्ट फूड कल्चर, सुना है? फास्ट फूड कल्चर में क्या होता है, जैसे कि आप पिज्जा खाते हो, क्या है वो, एक तरह से सड़ी हुई चीज खा रहे हो, क्या खा रहे हो, सड़ी, क्योंकि जो पिज्जा है उसमें क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी की जा रही है, ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, तो चीजें ऑक्सीजन हटाई जा रही है, तो तभी तो उसमें फुलाव आता है CO2 गैस, और CO2 गैस क्या होती है, हमारे लिए हानिकारक होती है। पिज्जा है, बर्गर है, पिज्जा है, बर्गर है, तो इन सारी चीजों में क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, किण्वन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छी है, CO2 अच्छी नहीं है, उसमें जबरदस्ती की CO2 भी डाली जा रही है, डालाने की प्रक्रिया में CO2 को बढ़ाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। आप जैसे कि ये दारू वगैरह बनाते हो, उसमें भी फर्मेंटेशन होता है, तो इन सब प्रक्रियाओं में क्या होता है, तो ये फास्ट फूड कल्चर आपने देखा होगा, इसी वजह से कि शरीर में क्या होता है आपका, ओबेसिटी बढ़ती है, आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा क्या खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, तो अंदर वो चीजें क्या नहीं हो पा रही, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, डाइजेस्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन है ही नहीं उस फूड में, आपने पहले से ही ऑक्सीजन का क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया, और जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है तो वो चीज तो आपकी बॉडी के लिए क्या हार्मफुल बन गई, तो पिज्जा फास्ट फूड वगैरह जो भी आप खाते हो ना, वो एक तरह का क्या है तो सड़ी हुई चीजें हम खा रहे, कहने का मतलब क्या, हम सड़ी हुई आप दो दिन तक उस आटे को एक तरह से फुलाव लाने के लिए उसको किया जाता है, तभी जाके वो रखा जाता है, दूर रखा जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, फुलाव आ जाता है, तो उसमें CO2 गैस होती है, और CO2 एक तरह की जहरीली गैस है, तो आपके शरीर के लिए कभी के यूजफुल हो ही नहीं सकती है, ठीक है। फिर देखो 18 कैरेट सोना है, 18 कैरेट सोना है, 50% शुद्ध, 60% शुद्ध, 18% शुद्ध, 75% शुद्ध, बताओ, 75% शुद्ध, तो सबसे शुद्ध कौन सा हो गया, 24 कैरेट, 24 का मतलब क्या होता है, 100% प्योर, तो आपने ये 75 कैसे निकाला, निकाला कैसे, हाँ निकाल के भी बता दो, कैसे लगाऊं, परसेंटेज तो निकालने आते हैं ना मैथ्स वाले बच्चे, हो बताओ कैसे लगाओ, 100 ऊपर रखें, ठीक है, नीचे लिखा 100 ऊपर लिखा, नीचे 100 लिखूं या ऊपर लिखूं, 18/24 into 100 निकाल के बता दो, जल्दी करो जल्दी, इतना समय नहीं है मेरे पास, और ये 25 आ जाएगा ना, 75 आ गया, आ गया, आ गया, आ गया 75%, 75% क्या आ गया, शुद्ध होता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रासायनिक, किस एक केमिकल को रासायनिक युद्ध के रूप में उपयोग किया गया था, एक केमिकल को, CO, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, भापमगार गैस, तीन नाम दे रखे हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SCN और मस्टर्ड गैस और भापमगार गैस। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 14 से 19 तभी तो हुआ था, तो किस गैस को यूज किया गया था, हाइड्रोजन गैस, मस्टर्ड गैस, इसको यूज किया गया था, मस्टर्ड गैस, ठीक है।
ये जो गैस होती है वो कैसी होती है, एक चिपचिपी होती है, कैसी होती है, चिपचिपा एक द्रव होता है। और अब ये जैसे ही ये यूज करते हैं तो आपकी स्किन वगैरह पे एक तरह से के वो होता है ना, जलन जलन पैदा करती है, मतलब इस तरह से, तो वो मस्टर्ड गैस, ठीक है। इसके बाद किस अम्ल में O2 एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कोई नहीं, बताओ, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। देखो पहले दिन का ये केमिकल फॉर्मूला देखो, और मैंने लिखवाया तीनों ही फॉर्मूले लिखवाए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है, ये हमारे पेट में भी उपस्थित होता है, HCl। पाचन के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, तो HCl। इसको बाथरूम एसिड भी कहा जाता है, बाथरूम में भी हम इसको का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर HNO3। अब सीधा सा अब बताओ, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, बस फॉर्मूले लिखते ही हमें समझ में आ गया इसमें नहीं है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम किंग्स ऑफ एसिड भी बोलते हैं, या अम्लों का राजा, या फिर किंग्स ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा, क्या बोलते हैं, रसायनों का राजा। और इसका हम इस्तेमाल कहां करते हैं, कार वगैरह जो बैटरीज वगैरह इनमें हम क्या करते हैं, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में तेल में प्रचुरता से पाया जाता है कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए डी ई के, डी कौन सा पाया जाता है, डी कौन सा पाया जाता है, डी पाया जाता है। अब इनके साइंटिफिक नाम भी बता दो साथ साथ में, ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, इसका डी का कैल्सीफेरॉल, डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, और के का ए फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है, क्या नाम है, फाइलोक्विनोन। अब ए से कौन सी बीमारी, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, या जीरो थैलेमिया, ऐसा ही बोलते हैं। फिर डी से, डी से सूखा रोग, सूखा रोग कुछ वो वाले नाम बताओ ना, हड्डियों से संबंधित है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सूखा रोग, जिसको आप जैसे हड्डियों वगैरह में कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, गठिया, या फिर अर्थराइटिस, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, या फिर ऑर्थो ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये सारे रोग किसके हैं, विटामिन डी की वजह से। रिकेट्स, रिकेट्स किससे होता है, रिकेट्स भी इसी से तो होता है बच्चों में, या आप कह सकते हो रिकेट्स, इससे क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स। ई इसको हम बोलते हैं नपुंसकता के लिए या बांझपन के लिए जिम्मेदार है, एंटी फर्टिलिटी, यही है, एंटी फर्टिलिटी नहीं, इनफर्टिलिटी, क्या है, इनफर्टिलिटी। ये ब्यूटी विटामिन भी है, क्या है, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता के लिए जिम्मेदार है,
ठीक है, क्लियर है। फिर के फिलोपिनॉन इसके लिए जिम्मेदार है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने के, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में देखी, अरे विटामिन के बारे में देखी। एक्टिव रहो, इतना इनएक्टिव रहोगे तो कैसे काम चलेगा। चाशनी बनाना प्रक्रिया है, बताओ कैसी प्रक्रिया, रासायनिक भौतिक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। रासायनिक, देखो चाशनी कैसे बनाते पहले वो बताओ। पानी लिया, शुगर ली, और गरम कर। अब मुझे बताओ जब ये चाशनी बनाई तो शुगर है और एक तरफ क्या है पानी है, क्या इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेट का मतलब क्या, अगर हमने पानी और इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, इनको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद इनको सेपरेट कर सकते हैं, अलग वापस शक्कर उनसे प्राप्त की जा सकती है, ऐसा कोई हमारे पास मेथड है, कोई भी मैकेनिकल हो सकता है। तो ये एक तरह की भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि नमक वगैरह, तो ये हमने सिर्फ क्या किया, दो चीजों को मिलाई है और उनको बॉइल कर दिया, कोई चेंजेस थोड़ी किए, टेम्परेचर में चेंज किया है, टेम्परेचर में ये पानी क्या हो गया, वेपोराइज हो गया, और वो शक्कर क्या होगी, गाढ़ी होगी, बाकी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी केमिकल चेंज नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, केमिकल चेंज नहीं। इसलिए मैंने आपसे पूछा चाशनी बनाना प्रक्रिया है, ठीक है। धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता है, अन्यथा बताया था मैंने, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना, गोल्ड, ठीक है, AU, ठीक है। HB में धातु होती है, हीमोग्लोबिन में धातु होती है, कौन सी होती है, Fe, क्या होती है, Fe लोहा, इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया, ठीक है, रक्त की कमी, रक्त अल्पता, हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता, ठीक है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कौन सा अपरूप कहलाते, क्रिस्टलीन, और पॉक, चारकोल, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय, क्यों ऐसा कहते हैं हम इनको, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ऐसा हम क्यों बोलते हैं इनको, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय का मीनिंग क्या है, इनकी ज्यामिति फिक्स नहीं होती, इनकी ज्यामिति क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, और इनकी ज्यामिति क्या होती है, फिक्स, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में पूछते हैं। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन दे रखा हुआ है, फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है, रेक्टिफायर के द्वारा। हाइड्रोजन बम आधारित है, बता दिया ना, फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार बना होता है, ऐसे काम चलेगा, टीन और लेड, इतना जल्दी भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा,
ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने किसके पर्पज से देखे, सीईटी के पर्पज से। तो चीजें समझ में आई, इन क्वेश्चन को घर पे जाके वापस भी देखने, याद भी रखने, ऐसे नहीं कि आई साफ कर दो अभी पढ़ाए तो यहाँ से डिलीट करके जा रहे। ठीक है, क्लियर है।